गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हमारा टॉपिक है आज का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल क्या क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, इनकी मार्केट में रेपुटेशन या गुडविल थोड़ा ख़राब हो गया है किसी वजह से, या फिर कुछ इसके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, उसके कैपिटल वगैरह में कुछ चेंजेस करने हैं, तो जो पहले से आर्टिकल बना हुआ है या मेमोरेंडम बना हुआ है उसके हिसाब से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो कंपनी क्या करती है, इस कंपनी को बंद करती है और एक नए कंपनी के नाम से चलाती है। कंपनी वही रहेगी, उसके एम्प्लॉय भी वही रहेंगे, उसका जो काम है वो सब कुछ वही रहेगा, डायरेक्टर्स वगैरह सब कुछ वही रहेंगे, बस इसका नाम बदल दिया जाता है और एक नए कंपनी के नाम से ये रन करती है। तो मान लो ये एक्स लिमिटेड था कंपनी और इसको अब एक नए कंपनी के नाम से चलाया जा रहा है, से वाई लिमिटेड कंपनी के नाम से, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये होता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पुरानी कंपनी डिजॉल्व हो जाएगी और एक नई कंपनी के नाम से चलेगी। जैसे बहुत पहले एक हुआ करता था यूटीआई बैंक हुआ करता था, उसका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया और एक वो अभी आपका एक्सिस बैंक के नाम से चलती है, तो इनका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक्स है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी विदाउट इट्स लिक्विडेशन। इट इंक्लूड बोथ अल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा क्या होता है, उसको समझाते हैं। देखिए, कई बार कंपनी ना ह्यूज लॉसेस से गुजर रही होती है, काफ़ी लॉसेस से चल रही होती है, तो उसके जो स्टेक होल्डर हैं, उसके स्टेक होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, बैंक या और भी कई पार्टी जो इसको उधार वगैरह देते हैं या फिर इस पे जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इस कंपनी में अब पैसे नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे और ना ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही होगी। कोई भी कंपनी अगर लॉस में चल रही होती है तो उसमें कोई भी पैसा क्यों लगाए। तो इनसे बचने का एक उपाय होता है कंपनी के पास कि उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस करना है, उसके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस करना है। ये दो तरीके से होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका अल्ट्रेशन किया जाता है, अल्ट्रेशन मतलब कुछ चेंजेस किया जाता है, सब कुछ सेम रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा, बस उसमें कुछ डिनोमिनेशन वगैरह को चेंज करते हैं, उसको अल्ट्रेशन बोलते हैं, या फिर उसमें कैपिटल में कुछ रिडक्शन करना होता है। अब ये सब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे अल्ट्रेशन और रिडक्शन होता है। तो उसके लिए एग्जांपल समझते हैं कि दरअसल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता कैसे है, उसको समझिए पहले। जैसे मान लेते हैं एक बैलेंस शीट है अपनी कंपनी का एक्स लिमिटेड, और उसके बैलेंस शीट है फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ पेल का डेबिट बैलेंस DR लिखे, मतलब डेबिट बैलेंस, और इधर शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% डिवेंचर और क्रेडिटर, टोटल बैलेंस शीट है 14,00,000 रुपीज। ये सिंपलिसिटी के लिए हम ये पुराना वाला बैलेंस शीट ले रहे हैं, अभी कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा नहीं होता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस पर न्यू बैलेंस शीट को देखेंगे, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हम सिर्फ ओल्ड वाला बैलेंस शीट लिए हैं, ताकि आप समझ पाओ कि इसमें होता क्या कर। तो इसमें देख पा रहे हैं आप एक स्टेटमेंट ऑफ पेल लिखा हुआ है जिसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। तो इस कंपनी का बैलेंस शीट को देखने से पता चल रहा है कि ये कंपनी अभी लॉस में चल रही है। तो कोई भी कंपनी जो लॉस में चल रही होती है, लॉस मेकिंग कंपनी, उसमें कोई भी स्टेक होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, ये लोग पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि लॉस में चलने वाली कंपनी पर कौन इन्वेस्ट करता है, या कोई उधार भी नहीं देगा सप्लायर। तो ऐसे बचने के लिए, इन सबसे बचने के लिए क्या होता है, उस प्रोसेस को समझिए। कंपनी के जो डायरेक्टर्स, अभी के लिए मान के चलते हैं कि हम लोग कौन हैं, हम लोग इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, हम लोग इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, डायरेक्टर्स की मीटिंग, जिसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। ये लोग कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम लोग अभी कौन है, हम लोग इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हम लोग एक मीटिंग करेंगे कि इस ये जो प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में, जो लॉसेस चल रही है, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक ये लॉस ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे नहीं, कंपनी चलेगी नहीं। तो इससे बचने का उपाय क्या है, तो उसके लिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में ना एक स्कीम बनाया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है कि इसको ठीक कैसे करना है। तो एक पेपर पर एक प्लान बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बोला जाता है। तो अभी एग्जांपल में हम लोग समझेंगे कि हम लोग ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और हम लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग कर इस एक
स्कीम बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, और उस प्लान में क्या करना है, प्लान का पर्पस होगा ये हमारा जो लॉस दिख रहा है ना, इसको बैलेंस शीट से हटा देना, बैलेंस शीट से कम्प्लीटली ख़त्म कर देना। हम लोगों ने मीटिंग करके एक डिसाइड किया कि ये जो आपका स्टेटमेंट फेल दिख रहा है इसको बैलेंस शीट से हटा दीजिए, 4 लाख का जो लॉस दिख रहा है इसको पूरा कम्प्लीटली हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम अगर हटाते हैं तो टोटल बैलेंस शीट का इधर कितना आ रहा है, एसेट साइड आ रहा है 5, 5, 10, तो यहाँ 14 के बजाय 10 लाख बच जाएगा। और बैलेंस शीट का रूल जानते हो, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो अगर आप इधर 4 लाख रुपये हटा रहे हैं तो आपको लाइबिलिटी साइड भी 4 लाख रुपये कम करना होगा, तभी बैलेंस शीट टैली करेगा, नहीं तो फिर इधर 10 और इधर 14 तब तो बैलेंस शीट गड़बड़ है। तो बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो आपका लाइबिलिटी साइड है उस साइड भी हमको 4 लाख रुपये कम करना होगा। अब सवाल है 4 लाख किसको कम करें, तो चूंकि ये तो हम लोग प्लान बना रहे हैं आपस में, अभी किसी से कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, केवल ये डायरेक्टर्स लोग ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। तो इधर हमने क्या किया, जो शेयर कैपिटल इक्विटी वाला टोटल हमको 4 लाख रुपये रिड्यूस करना है इधर भी, तो हमने यहाँ 2 लाख रिड्यूस कर दिया, मैंने जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख उसको हम कर दे रहे हैं 3 लाख रुपये। ये डायरेक्टर्स लोग अभी सोच रहे, हुआ नहीं है, अभी सिर्फ सोच रहे ऐसे ऐसा कर सकते हैं, प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलो हमने 2 लाख कम कर दिया, यहाँ पर 1 लाख रुपये कम कर देते हैं, तो 1 लाख अगर कम कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू हो जाएगा 4 लाख रुपये, और डिबेंचर्स को भी 1 लाख रुपये कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 14 लाख। एक बार जोड़ के देख लीजिए, 3 और 4, 7, 8, 9, 10, हाँ तो ये हो गया 10 लाख रुपये। देखिए तो सबसे पहले प्रोसेस में समझिए क्या होता है, बोर्ड के डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं, बोर्ड की जो मीटिंग डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसको बोर्ड मीटिंग बोला जाता है। इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि ये बैलेंस शीट को ठीक कैसे करना है। अब ये क्या करना है, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि इस कंपनी का बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से चेंजेस करना है जिससे हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो लॉस दिख रहा था वो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इस स्कीम के हिसाब से नया जो बैलेंस शीट बनेगा वो कैसे बनेगा, एक बार देखिए नई जो बैलेंस शीट बन रही है वो कैसे बन रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख था, वो कितना बच गया, 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 के बजाय बच जाएगा 3 लाख रुपया, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 5 लाख था उसको हम लोग चेंज करके लाए हैं 4 लाख। ये 8% डिवेंचर था उसका वैल्यू हो गया 1 लाख रुपया, इसका डिवेंचर का नाम भी चेंज कर देते हैं, 8% था उसको हटाकर अब 10% कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। तो नया जो बैलेंस शीट होगा उसमें 8% के बजाय दिखेगा 10% डिवेंचर। ये सिर्फ डायरेक्टर्स लोग अपने मन में सोचा है कि ऐसा करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट ठीक हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है उसको समझाते हैं अभी, रुको। ये फिक्स्ड एसेट वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं किए हैं, करेंट एसेट भी वही है 5 लाख रुपया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस था मतलब लॉस था वो ख़त्म हो गया। तो अब अगर आप टोटल करते हैं तो 4, 3, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 10 लाख हो रहे हैं, और ये 10 लाख हो रहा है। तो ये आपका न्यू वाला बैलेंस शीट बनेगा, न्यू, और ये ओल्ड, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से था उसको चेंज करके जो कंपनी के डायरेक्टर है वो कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो ये जो बदलाव हो रहा है ना, शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा हटा रहे हैं, प्रेफरेंस का शेयर को कम कर रहे हैं, डिबेंचर्स को कम कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस को बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना, देखिए जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा है, और इसमें कंपनी बंद नहीं होता है, कंपनी कंटिन्यू रहेगा, कंपनी को बिना बंद किए हुए इसमें जो ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है कि कितना कैपिटल लगा है, टोटल जो कैपिटल लगा है उसमें शेयर का कितना है, डिबेंचर का कितना है, क्रेडिटर्स का कितना है, या प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना है, वो सब कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी को बिना बंद किए हुए चेंज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना। तो रिकंस्ट्रक्शन, अब एक बार दोबारा से डेफिनेशन को पढ़िए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा से मतलब रीअरेंज करना, पहले जो कैपिटल था उसमें कुछ चेंजेस करना, और कंपनी विदाउट इट्स लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब कंपनी का बंद होना, कंपनी को बिना बंद किए हुए, बिना शटडाउन किए हुए ही आपको क्या करना है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है। ये 2 तरीके से हो सकती है, इट इंक्लूड बोथ अल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो अल्ट्रेशन मतलब सिर्फ चेंज करो अमाउंट, जैसे 5 लाख था 5 लाख ही रहता, बस कुछ इसका डिनोमिनेशन है, जैसे 10 रुपया वाला शेयर है उसको 100 रुपया वाला शेयर बनाते हैं, अमाउंट वही रहता, तो इसको अल्ट्रेशन करना बोलते हैं। तो सब जब प्रोसेस करेंगे उस समय मिलेगा, और या फिर कैपिटल को कम कर रहे हैं, जैसे 5 लाख था उसको हम 3 लाख कर रहे हैं, तो इसको रिडक्शन करना बोलते हैं। तो कंपनी
का जो शेयर कैपिटल है या जो कैपिटल टोटल है उसमें या कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको चेंजेज करना या उसको रिड्यूस करके बिना कंपनी को बंद किए हुए उसको रिड्यूस करना, इन सब प्रोसेस को बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें और आगे प्रोसेस क्या होते हैं समझिए। अब क्या होता है ना कि ये कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने ऐसा स्कीम बनाया। अब स्कीम केवल बनाए और ऐसा इंप्लीमेंट कर देंगे ऐसा नहीं होता, इसका कुछ प्रोसेस होता है। इस पूरी प्रोसेस को बता रहा हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले डायरेक्टर्स ने स्कीम बनाया रिकंस्ट्रक्शन का कि हम लोग ये जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको कुछ इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, ऐसे चेंज करना चाहते हैं। तो ये स्कीम बन गया, इसको क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अब इस स्कीम को लेकर जाते हैं एक ऑफिस में, उसका नाम है BIFR। BIFR फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इनके पास जाएंगे, सबसे पहले ये स्कीम को लेकर जाएंगे BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास। तो यहाँ बैठे ऑफिसर्स लोग इसको वेरीफाई करेंगे, उनको बताना होगा कि सर हम अपने कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप NOC दीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो ये लोग सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद आपको NOC देंगे। अगर इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करने से फ़ायदा है, अगर कंपनी बच जाते, अगर रिकंस्ट्रक्शन करने का मतलब है कि कंपनी आपका बच जाएगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं होगी, तो उससे अगर कंपनी चली गई तो अगर देश को फायदा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि ये जो BIFR वाले हैं वो लोग आपको अप्रूवल दे देंगे, NOC दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और अगर लग रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है आपका जो इसको बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर वो लोग NOC नहीं देंगे। उनका कुछ प्रोसेस होता है, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखेंगे कि आपकी कंपनी को बचाना भी चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, बचाने से कोई फ़ायदा है तो बिल्कुल भी बचाएंगे, और वो लोग देंगे क्या NOC। तो BIFR वाले लोग देते हैं आपको NOC। NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि इस कंपनी को अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस BIFR वाले को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये NOC का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको लेकर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग जाएंगे कोर्ट, कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। ये लोग जाएंगे हाई कोर्ट, यहाँ पर पिटीशन फाइल किया जाता है, मतलब इसमें ये जो स्कीम है उसको लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेकर जाते हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अब क्या होता है उसको समझिए, पूरी प्रोसेस पर दोबारा समझो। सबसे पहले बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग में रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाया जाता है कि बैलेंस शीट को कैसे चेंज करना है, और उस स्कीम को फिर ले जाते हैं BIFR के पास। BIFR का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब उससे मिलता है आपको NOC, और NOC को फिर लेके जाते हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है, जज वो आपका सारा डिटेल्स देखेगा। सबसे पहले तो पूछेगा कि आप रिकंस्ट्रक्शन जो कराना चाहते हो अपनी कंपनी का, तो क्या आपने BIFR से अप्रूवल लिया है, उसे NOC लेकर आए हो? तो हम लोग बिल्कुल NOC लेकर आए हैं, तो हमने बोला यस। उसके बाद अब वो आगे का आपका स्कीम देखेगा, चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो बोलेगा कि देखो आप अपने जो रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 लाख रुपया लगाए हैं, उसको आप 3 लाख रुपया ही देना चाह रहे हो, प्रेफरेंस शेयर वाले 4 लाख रुपया लगाए ने 5 लगाए हैं उसको सिर्फ 4 देना चाह रहे हो, उसको भी कम देना चाह रहे हो, या फिर डिवेंचर होल्डर्स है उसको 2 लाख के बजाय सिर्फ 1 लाख रुपया ही देना चाह रहे हो, तो क्या वो लोग अग्री हैं इस बात के लिए? उनसे भी अप्रूवल लेकर आइए। इनकी तो क्या करना होता है, इनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्विटी शेयर 5 लगाए उसको सिर्फ 3 लाख रुपया देना चाह रहे हो, तो ऐसा अगर आप करते हो तो क्या ये लोग इस बात के लिए एग्री हैं? तो इसके लिए भी हमें इन लोग से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये सब जितना भी जा रहे हैं ना BIFR के पास फिर कोर्ट के पास, ये सब करने से पहले इन सब का मीटिंग करवाया जाता है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं जैसे इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले, डिवेंचर वाले, इनकी मीटिंग जनरल मीटिंग कराई जाती है, और मीटिंग में उनसे अप्रूवल लिया जाता है कि देखो भाई इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख रुपया लगाए हो, अगर आपको अब हम लोग देंगे सिर्फ 3 लाख रुपया, अब 5 लाख रुपया लगाए हो अब आपको मिलेगा सिर्फ 3 लाख रुपया, तो कोई भी इक्विटी वाले तो मानेंगे नहीं, तो उनको कैसे मनवाया जाता है सुनिए कि इक्विटी शेयर होल्डर अगर आप इस बात से एग्री नहीं किए, 3 लाख रुपये लेने के लिए एग्री नहीं हुए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, तो कंपनी बंद हो जाएगा। इनमें से जितना भी इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर होल्डर है, अगर ये लोग डिनाई करेंगे ये सब रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो कोर्ट परमिशन देगा ही नहीं, और कोर्ट परमिशन नहीं देगा तो आपको क्या करना होगा, कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा। और अगर कंपनी बंद हुआ तो जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपनी का लिक्विडेशन के बाद, तो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है,
सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है, क्रेडिटर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब जब कंपनी का ऑक्शन होगा, उसकी नीलामी होगी, उसके बाद पैसे बांटे जाएंगे, तो इक्विटी वाले को कुछ मिलेगा भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। तो पैसा बचेगा तब तो इक्विटी को मिलेगा, तो उस केस में इक्विटी को मानना ही पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि भाई 5 की जगह 3 भी मिल रहा है तो ठीक है, कम से कम कंपनी अगर जिंदा रहेगी तो आने वाले समय में पैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर कंपनी बंद होगी तो जो लगाएं वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इक्विटी वाले लोग मान ही जाएंगे, वैसे ही प्रेफरेंस वाले लोग भी मान जाते हैं। लेकिन यहाँ डिबेंचर को थोड़ा प्रॉब्लम है कि आप डिबेंचर वाले को 20 के बजाय सिर्फ नहीं 2 लाख के बजाय सिर्फ 1 लाख देना चाह रहे हो, तो ये लोग जल्दी नहीं मानना चाहते, क्योंकि अगर कंपनी बंद भी होती है ना तो सबसे पहला जो पैसा लेने वाला आदमी होता है वो होता है डिबेंचर होल्डर। तो अगर कंपनी बंद भी हो जाएगी तो उनकी जो एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट, इन सबको ऑक्शन किया जाएगा, बेचा जाएगा, और बेचने पर जो पैसा आएंगे उससे सबसे पहले पेमेंट किया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो उनको तो कोई घाटा ही नहीं है, उनके पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंपनी बंद भी हो जाएगी तो भी इनके पैसे नहीं डूबते हैं। तो फिर ये लोग मानेंगे क्यों? तो उनको मनवाने का तरीका होता है कि देखिए, जैसे भी एग्जांपल के तौर पे, से फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर 8% का इंटरेस्ट था, तो इनको बोलेंगे कि देखो डिबेंचर होल्डर, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, उससे बचने का उपाय है कि आपको थोड़ा जो है अमाउंट है ना 2 लाख रुपया लगा, उसके बदले में अभी हम लोग 1 ही लाख दे पाएंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ा दे रहे हैं, आपको जो 8% का इंटरेस्ट मिलता था अब हम लोग आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह उसको बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर कंपनी बंद भी हो जाएगा तो इसको क्या घाटा है, इसको तो कोई घाटा है नहीं, इसलिए उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह में कुछ बदलाव किए जाते हैं, उसको बढ़ाकर दिए जाते हैं, तो ऐसे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये सारे पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो लोग मान जाएंगे, तो फिर कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब प्रोसेस यहाँ जो आप कर रहे हो ना, मतलब BIFR के पास जा रहे हो, वो सब करने से पहले किया जाता है, क्योंकि आप BIFR के पास गए, कोर्ट के पास गए और ये लोग माना ही नहीं, तब तो उनको मिलेगा ही नहीं ना अप्रूवल, कोर्ट की तरफ से अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले इन सब से ही पूछा जाता है, इनकी मीटिंग कराई जाती है और इनसे अप्रूवल लिया जाता है। अगर ये लोग सब लोग बोला ओके, कोई इशू नहीं है, जाइए और आप रिकंस्ट्रक्शन करिए, तब जाकर BIFR के पास जाते हैं, NOC लेते हैं, फिर हाई कोर्ट के पास जाते हैं। और हाई कोर्ट कुछ नहीं करता है, हाई कोर्ट का बस काम है कि सारे एविडेंस चेक करना, पेपर चेक करना, सब कुछ ओके है तो ये लोग फिर आपको अप्रूवल दे देंगे। तो हाई कोर्ट ने देखा कि BIFR से भी NOC लेकर आए हैं, BIFR को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद आपने जो डिबेंचर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनसे भी आपने अप्रूवल लेकर आए हैं, उनसे भी ओके करा के लाए हैं पेपर्स, तो फिर हाई कोर्ट आपको परमिशन दे देता है, अप्रूवल दे देता है, ऑर्डर दे देता है कि आप जाइए और अपना कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कराइए। और फिर कंपनी क्या करती है, अपना एक नया बैलेंस शीट तैयार करती है, जो पहले ऐसा था उसको इस तरीके से जो भी स्कीम उन्होंने बना रखा है वो करके रखती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना कंपनी का। तो ये हुआ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें 2 चीज़ें पढ़ना है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। हमें करना है जर्नल एंट्रीज और वो न्यू बैलेंस शीट। तो ये दोनों ही बहुत आसान है। बैलेंस शीट तो अभी आपने सीखा कि कैसे बनता है, कि जो जो चेंज हुआ उसको उतार दो, और जर्नल एंट्री कैसे बनता है उसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो पूरे चैप्टर में आपको ये करना है, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आती है तो इसका आसानी से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है वो आपने यहाँ पर देखा कि जो जो चेंज हुआ है उसको उतार दो, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट आपका टैली कर देगी, सबसे आसान है। जर्नल एंट्री कैसे होता है इसके एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ। इससे पहले आपने अकाउंट पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, या आप जर्नल एंट्री जानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टेक्निक बता रहा हूँ उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है सुनो, जितना भी एसेट है इसकी होती है डेबिट बैलेंस, जितना भी एसेट है उसकी होती है डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी साइड वाले आइटम का, ये जो लायबिलिटी है उन साइड वाले आइटम्स का होती है क्रेडिट बैलेंस। ये जो लायबिलिटी साइड आइटम है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, 8% डिबेंचर, क्रेडिटर, इन सब के होते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो हम जो जो चेंज कर रहे हैं उसकी एक एक एंट्री करेंगे, और देखो कैसे एंट्री करेंगे। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख था, उसको बैलेंस शीट से हटा देना है, उसकी जगह में लिखना 3 लाख वाला कैपिटल क्रेडिट। ये इसकी कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम को अगर आप हटा रहे हैं बैलेंस शीट से तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। जैसे आप प्लस को हटाना चाहते हो, मान लो 10 रुपया प्लस में है, इसको जीरो करना चाहते हो तो -10 करना पड़ेगा ना। वैसे डेबिट वाले आइटम को अगर हटाना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट वाले को डेबिट करना पड़ेगा।
तो क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख था, उसको आपको हटाकर 3 लाख करना है। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा उसको समझिए। इसका कोई एंट्री मैं लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ टेक्निक समझा रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल को 5 लाख था, उसको हटाना है क्रेडिट बैलेंस से। उसको हटाने के लिए कर दो डेबिट। तो लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख। 5 लाख उसको हटा देना है। उसके जगह में आपको लिखना है 3 लाख वाला। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, 5 की जगह में लिखना है 3 लाख। तो जितना रखना है उसको क्रेडिट में लिखें, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना है 3 लाख। रूल है डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको लिख देंगे रिकंस्ट्रक्शन को, लिख देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 2 लाख का डिफरेंस बस हो गया। तो ये है आपका जर्नल एंट्री। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन में लिखना होता है कि आपने क्या किया, उसको इंग्लिश में लिख दीजिए। तो आपने क्या किया, शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया। तो लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल वेयर रिड्यूस, ऐसे लिख देना है। दूसरा एंट्री करते हैं। दूसरा एंट्री आप यहाँ पर देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख था, उसको आपको 4 करना है। मतलब 5 लाख को पूरा हटा देना है और उसके जगह में 4 लिखना है। तो जिसको हटा रहे हैं उसको क्रेडिट वाला आइटम को अगर आप हटा रहे हैं बैलेंस शीट से, तो उसको डेबिट कीजिए, ख़त्म कर रहे हैं उसको। तो लिखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 5 लाख के थे, उसके जगह में आपको लिखना है 4 लाख वाला। तो जितना लिखना है उसको क्रेडिट कीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक बार टेक्निक समझ लीजिए, आपके लिए एंट्री बड़ा आसान हो जाएगा। 4 लाख, इसमें कोई भी एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का, उसको लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 1 लाख रुपीज़ लिखे। अब इसका नरेशन लिखोगे बीइंग क्या हुआ इसमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने रिड्यूस किया। तो बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वेयर रिड्यूस, बस ये लिख देना है। तीसरी एंट्री में देखिए क्या करे हैं अपने। इस पे देखो, जैसे जैसा किया है आपने उसी को सिक्वेंस वाइज उतारते जाओ। 8% वाला डिबेंचर था, उसको आपको हटा देना है। नया जो बैलेंस शीट दिखेगा उसमें क्या दिखेगा, 10% डिबेंचर। तो पुराना वाला को डेबिट कीजिए, क्योंकि आप उसको बैलेंस शीट से हटा रहे हो। क्रेडिट वाला आइटम है, उसको हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। जैसे प्लस को माइनस करते हो ना, वैसे क्रेडिट वाले को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए डेबिट करना होगा। तो 8% डिबेंचर था 2 लाख, उसको हटाइए। उसको हटाने के लिए कर दीजिए 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया। और इसके जगह में आपको लिखना है जो नया वाला डिबेंचर होगा, वो नया बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, 10% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपया। और डिफरेंस आ रहा है 1 लाख रुपीज़ की, इसको लिख देंगे रिकंस्ट्रक्शन। इसको लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1 लाख रुपीज। दोनों साइड टैली कर गया। नरेशन लिखोगे बीइंग डिबेंचर वेयर रिड्यूस, बीइंग 8% डिबेंचर्स वेयर रिड्यूस्ड, ऐसे लिख देना है। अच्छा, इतना करने के बाद आप एसेट साइड भी देखिए, कुछ चेंजेज हुआ था। लायबिलिटी साइड हो गया, एसेट साइड देखो, आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल था, इसको बैलेंस शीट से पूरा कंप्लीटली हटा रहे हैं। ये सारी बातें क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा किसको क्या करना है, कब करना है, ज़्यादा करना है, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को हटा रहे हैं, इसकी डेबिट बैलेंस होती है, तो डेबिट आइटम को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। इसको कर देंगे क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट करना होगा, डेबिट के लिए कोई आइटम नहीं है, तो रिकंस्ट्रक्शन लिख देंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और ये था आपका 5 लाख रुपया बस। और ये कम्प्लीटली इसको जीरो कर देते हैं, पीएल को, जो प्रॉफिट एंड लॉस था ना, हाँ, बैलेंस शीट को, उसको पूरा यहाँ से पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना या एलिमिनेट करना। तो लिखेंगे बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लॉस, वेयर रिटर्न ऑफ राइट ऑफ करना बोलते हैं बस। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करना है, जिसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल समझना है। समझने के लिए तरीका आपने बताया कि एसेट साइड वाले जितने आइटम होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी वाले आइटम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर क्रेडिट आइटम को आपको हटाना है, कम करना है, तो उसको डेबिट कर दो, और डेबिट आइटम को आपको कम करना है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो डेबिट आइटम है उसको बढ़ाना पड़ गया। मान लो कोई फिक्स्ड एसेट है, लैंड वगैरह है, उसकी प्राइस घटती नहीं है, बढ़ती है जनरली। तो मान लो कोई फिक्स्ड एसेट की प्राइस बढ़ेगी, तो डेबिट आइटम का अगर प्राइस बढ़ेगी तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो ये बस ये दो चीज़ें याद रखो कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। बस इसी से आपका सारा जर्नल एंट्री बन जाएगी। बाकी हम क्वेश्चन में आपको कराएंगे एक एक करके
कि क्वेश्चन बनता कैसे और बैलेंस शीट किस तरीके से बनता है नया वाला। तो ये हो गया कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आपने देखा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कुछ चेंजेज होती है, ये दो तरीके से हो सकता है, अल्ट्रेशन से या फिर कैपिटल का रिडक्शन करने से। और फिर उसमें एक नया बैलेंस शीट बनाया जाता है, इसका कुछ प्रोसेस बताया था हमने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से मीटिंग करते हैं, एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाते हैं और उसको BIFR मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास ले जाते हैं, वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद उसको हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया जाता है और हाईकोर्ट वाले लोग सारे एविडेंस को देखने के बाद अप्रूवल देते हैं और तब जाकर कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो ये था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और उसकी कुछ जनरल एंट्री। आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा जनरल एंट्री और बैलेंस शीट साथ में, तो आपको जनरल एंट्री बनाना होगा हर क्वेश्चन में और हर क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनाना होगा जैसा कि क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। तो ये था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब आने वाले क्वेश्चन में करेंगे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 करके कम से कम 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।